में लव करना। हाय, मेरा नाम है जश्न अग्निहोत्री। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। बात करें आज की, आपने प्रेस मीट रखा है, क्या है और आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या अभी तक काम कर चुके हैं। I'm a Delhi girl. I'm born and brought up in Delhi. Before landing in Mumbai, I've been modeling for 2 years. I have done over 100 print ads and TV commercials, including the ones for Indian Oil Servo, Air Sahara. I've modeled for Inalsa, so on and so forth. Lot of brands, basically. So I was happily modeling, and one fine day I was spotted by Mr. Madhur Bhandarkar at a party, and he was looking for a girl for this retro song in his film called Ye Pal. So the film name is Indu Sarkar, basically. So he asked me to do a look test for it, and I went to his office, did the audition and got the part. Jason, agar baat kare, kaisa experience raha aapka, pehli jo movie thi, sabse first movie aapki kaun si? हिंदू सरकार। हिंदू सरकार का कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड मधुर जीज बॉडी ऑफ वर्क। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज फिल्म्स, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव वर्क विद हिम, बिकॉज मिस्टर मधु भंडारकर एंड हिज एंटायर टीम, दे वर ऑल सपोर्टिव ऑफ मी सिंस दिस वॉज माई डेब्यू फिल्म। सो दे हेल्प मी गेट द लुक राइट, गेट द पार्ट राइट। So yeah, it was a great experience. मधुर भंडारकर की जितनी फिल्में रहती है, हर फिल्म कंट्रोवर्सी में रहती है, एक मैसेज देती है, कोई भी फिल्म हो, चाहे चांदनी बार हो या ये, तो अपना आप कितना प्राउड फील करते हैं कि एक फिल्म है जो काफ़ी, अगर उसकी निंदाई की जाती है लेकिन फिल्म हिट हो जाती है। जी, तो इस फिल्म के बारे में कैसा लगा? See, it's तो not... काफी चर्चाओं में आई मूवी। जी हाँ, फिल्म काफ़ी चर्चा में थी, बट I feel that it is his artistic expression, basically. He believes in certain kind of cinema, which is the realistic stream of cinema. If it gets embroiled in controversy, that's not what probably he wants. He just wants his creative freedom, his free artistic expression. So getting into a controversy is a different aspect. That is, it's dragged into a controversy. जैसे बात करें, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, आपके बारे में क्या लाइन है जैसन की, अगर बात करें? You mean to say whether I struggled? See, for me, I never wanted to be an actor. मतलब मैं सोच के नहीं आई थी कि मैं एक्टर बनूंगी। मैं विद सम एयरलाइंस, एक्टिंग एंड मॉडलिंग जस्ट हैपेंड बाय चांस फॉर मी। इट वाज डेस्टिनी दैट गॉट मी हियर। मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी या प्लान नहीं किया था। तो ड्यूरिंग माय एयर होस्टेस डेज मुझे कुछ लोग मिले इन फ्लाइट हु वर फ्रॉम द मॉडलिंग इंडस्ट्री। दे प्रपोज्ड दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर एड कैंपेन्स। दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई। तो मॉडलिंग करते करते फिर अचानक ये ब्रेक मिल गया। आई हैड नेवर स्ट्रगल्ड फॉर इट और आई हैड नेवर ट्राइड फॉर इट, बेसिकली। मधुर जी के साथ काम करके कैसा लगा? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उनकी पिक्चरें मैं बचपन से देखती आई हूँ। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज बॉडी ऑफ वर्क। सो डेफिनेटली इट वाज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मेड बाय मिस्टर भंडारकर। आपके किरदार की बात करें, किस तरह का किरदार है इसमें? सो आई हैव प्लेड अ क्रूनर बेसिकली इन दिस सॉन्ग कॉल्ड ये पल। ये पल वॉज अ पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द फिल्म, एंड इट्स अ सिचुएशनल काइंड ऑफ अ सॉन्ग वेयर इट्स अ पार्टी गोइंग ऑन, एंड द लीड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म इंदु सरकार हैड कम विद हर हस्बैंड टू दैट पार्टी। सो आई एम प्लेइंग अ क्रूनर इन दैट पार्टी। या फिल्म में और कौन कौन आपके साथ में? Well, it has Kirti Kulhari. Kirti Kulhari ji was there while my shoot was going on. Tota Rai Chaudhary ji was also there while my shoot was going on. There is Supriya Vinod ji, Neel Nitin Mukesh ji, but they had shot separately. They were not there during my shoot. Yeah. Air hostess ke liye kitna mushkil tha ye sab cheeze, Bollywood mein entry marna, kya camera face karna? Well, definitely I took time to learn my ropes. It's not that easy for somebody who is not from a film background. But I like learning new things. I'm innovative. I'm enterprising. मुझे नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है,
or I eventually become successful at whatever I tried always in life. So किसके साथ आपको काम करना है और सपना क्या है, क्या एम क्या है आपका कि यहाँ तक पहुँचना है? अब कह सकते हैं एम, पहले तो एम नहीं था, बिकॉज लाइक आई सेड, मैंने आपको बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी या मॉडल बनूंगी, लेकिन अब आई डेफिनेटली बिकॉज आई हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ पीपल, माई फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हु आई वुड वॉन्ट टू वर्क विद. So now definitely I'm surely game for it. I work to want to work in various genres of films. अलग अलग genres में काम करना चाहती हूँ. मैं कर भी रही हूँ 3 पिक्चरें, एक action film है, एक science fiction है, एक romantic comedy है. So I want to work in various genres and I want to play various parts, different interesting roles I want to do. So पहले तो मैं एक नर्ड थी. नर्ड मीनिंग आई यूज टू बी दिस अकेडमिकली इंक्लाइंड फ्रंट बेंचर इन माई स्कूल डेज. चश्मा लगा के और बाल में ढेर सारा तेल डाल के फर्स्ट सीट पे बैठ के खूब पढ़ाई करती थी, और स्लोली बट स्लोली आई केप्ट चेंजिंग एंड देन आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन विच इज़ स्लाइटली ग्लैमरस. एयर होस्टेस इज स्लाइटली ग्लैमरस and now full on glamorous with entry into showbiz. So idol kisko mante hain industry mein, kisko dekhte hain bade bade ho ya fir jo cheeze uske sath film karni hai bada artist hai? I have too many favorites actually, like I told you, too many favorite actors and actresses from Salman ji, Shah Rukh ji, Akshay Kumar ji, Aamir Khan ji, Saif Ali Khan ji, Ajay Devgan ji, Hrithik Roshan ji, from the new league, Varun Dhawan, Siddharth Malhotra, all of them, huge list. तो अभी मैं बोलने लगूंगी तो यही शाम हो जाएगी. दिवाली आ रही, कैसे सेलिब्रेशन करेंगे दिवाली का? Well, I love this festival of lights and I'm excited about Diwali being round the corner. I'm going to celebrate it with meeting and greeting my family and friends. I'm going to have a lot of fun with them. I'm going to decorate my house with rangoli, flowers, lights, candles, diyas, and do Lakshmi Pujan. That's the most essential part. जो सिंगर है काफी फेमस है वो चढ़ता सूरज धीरे धीरे, क्या लाइनें हैं आपको बनाएंगे? Well, to be honest with you, I'm only a bathroom singer, but since you're so much insisting on it, so I'll give it a shot. चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा. कितना एंजॉय किया इस कवाली को आपने, अगर देखते हैं मूवी के अंदर कैसे लगा? ओह आई जस्ट लव्ड इट, और मेरी फैमिली, मेरी मदर को ये कवाली बहुत पसंद थी. इट्स अ रिक्रिएशन बेसिकली, इट्स लिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड कवाली ऑफ द सेम दिस थिंग. तो और ये जो अब इसको जो इन्होंने रीमिक्स किया है, विच इज़ इट हैज़ टर्न्ड आउट वेरी वेल, और फिल्म के थीम के साथ वो जब जिस सिचुएशन में वो कवाली आती है, इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल एट दैट टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.